मुजफ्फरनगर में श्री रामलीला सभा शहर टाउन के तत्वधान में टाउन हॉल के प्रांगण में श्री हनुमानगंज की ध्वजा यात्रा का सुब्रह्म हवन पूजन के साथ प्रारंभ हुआ। श्री रामलीला सभा शहर के कार्यकारी अध्यक्ष दीपक मित्तल ने बताया कि श्री हनुमान जी की ध्वजा यात्रा हवन पूजन के साथ प्रारंभ शहर के विभिन्न भागों से होते हुए श्री रामलीला टीला पहुंची, जहां रामलीला टीले पर ध्वजे को स्थापित किया गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान ही टाउन हॉल मैदान के प्रांगण में आगामी 22 अक्टूबर को रामलीला शुरू हो जाएगी और दर्शकों के लिए, महिलाओं और बहनों के लिए बैठने की विशेष इंतजाम किया जा रहा। ये आज शहर रामलीला सभा रजिस्टर्ड द्वारा प्रथम कार्य है जो राम श्री राम लीला के तहत हनुमान जी से प्रारंभ होता है। तो आज ये हनुमान जी ध्वज यात्रा निकाली जा रही है जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई रामलीला टीले पर स्थापित की जाएगी। कब रामलीला का आगाज होगा और क्या विशेष रहेगा? रामलीला हमारी 12 अक्टूबर से प्रारंभ है और विभिन्न चरणों से होती हुई राम बरात बनवास से होती हुई 24 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। पिछली बार भी हमने बहुत अच्छे प्रयास किया था कि बहुत ही बढ़िया रावण और उनके पुतले जनता को देखने को मिले थे। अब के उससे भी अच्छा प्रयास किया जा रहा है और कुछ नए परिवर्तन आपको मंजन के दौरान स्टेज पर भी मिलेंगे। ये मैं आपको बता दूं, इस मैं नहीं कह सकता उत्तर प्रदेश में एक आध को छोड़कर यही एक ऐसी मात्र रामलीला है जो अनुष्ठान की रामलीला होती है। अनुष्ठान की रामलीला कहीं नहीं होती। कब से इस रामलीला? ये करीब 111वां रामलीला का वर्ष है, 111वां या 12वां वर्ष रामलीला का है। अच्छा, एक मेरा सवाल आपसे है, अक्सर रामलीलाओं में हादसे होते रहते हैं। पिछले 2 साल पहले भी एक बड़ा हादसा हुआ था मुजफ्फरनगर की एक रामलीला के अंदर, तो उसकी व्यवस्थाओं के लिए, सुरक्षा के लिए क्या विशेष है? देखिए, व्यवस्थाओं की जहाँ तक बात है, हम पूरा प्रबंध रखते हैं अपने यहाँ, चाहे वो फायर संबंधित हो, कोई भी संबंधित हो, तो उसे हम पूरा ही ध्यान रख के उसे चलते हैं। बाकी ईश्वर का कार्य है, भगवान वो निर्विघ्न पूरा कराते हैं, ये हमारी आस्था भी है ऐसी, और इसके लिए जितना संभव हो प्रयास करें। अच्छा, मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे, जिस तरह रामलीला भी हाईटेक होती है, उसी तरह अश्लीलता भी परोसी जाती है, तो क्या हम आप लोगों से आशा करें कि जो धर्म प्रेमी है उन्हें अच्छा? मैं आपको एक विश्वास दिला दूँ, कम से कम इस रामलीला के बारे में